किस पद के लिए आप अपनी तैयारी कर रही हैं? उपसभापति के। क्या नाम हुआ? समता देवी। क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? आम छाप है। क्रमांक संख्या ईवीएम का? क्रमांक संख्या 9 है। ये आप चुनाव में जब जनसंपर्क कर रही हैं तो क्या लगता है जनता के किन किन समस्याओं से? तो आप लोग से विरोध है कि मेरे पास चलकर ब्रेकिंग न्यूज वाले आए हैं, उनसे आवेदन है कि आप लोग का मेरे तरफ से बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद मैं देता हूँ। और आगे चुनाव मैदान में मैम अभी घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या से आपको रूबरू होना होता है? जनता किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? जनता समस्या से जूझ रहा है कि गली गली में पानी जम रहा है, कहीं कहीं सोलिंग वहाँ मैंने ढलैया नहीं हुआ है, चलने फिरने के लिए दिक्कत हो रहा है। उसके लिए भी सरकार के द्वारा मैंने हम लोग मैंने प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ ये नंबर बाहर डाल देंगे। और जहाँ तक हमने नाला नहीं बना है और वृद्धा लोग का पेंशन नहीं बना है, वृद्धा लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग जहाँ तहाँ गए हैं तहाँ तहाँ बहुत लोग मैंने रो रही हैं वृद्धे लोग कि हम लोग का पेंशन अभी तक चालू नहीं है। उसके लिए मैंने उसको बोला कि मैंने मुझे वोट दो, हम उसके लिए सरकार से आवेदन करेंगे। महिलाओं के लिए मैं सिलाई मशीन का जहाँ तहाँ व्यवस्था करूँगी और जगह जगह में सिलाई मशीन का ऑफिस मैंने बनवाएंगे। अच्छा, आप अभी जब काफ़ी वृद्ध जन लोग भी मिलते होंगे, ये ठंडा का समय है, वो लोग इसी तरह उसके लिए तो सरकार के द्वारा बनवा वो कॉलोनी के लिए व्यवस्था करवाएंगे। सरकार से ही हमको प्रार्थना करवाना है कि वृद्धा लोग कंबल साल स्वेटर के वगैरह माने हम लोग उसके अति करवाई करेंगे। आपको क्या लगता है जनता से क्या उम्मीद है? जनता से तो हमको पूरी उम्मीद है कि हमको समर्थन कर रहा है और करेगा, उसके आगे मेरे साथ है और हम उसके साथ हैं।